दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन की गरारी कैसे सेट करते हैं। देखे जाए सिलाई मशीन जो है ना, अम्ब्रेला सिलाई मशीन होती है, इसमें जो है ना गरारी कैसे लगाते हैं, उसका मिलान कैसे करना होता है जिससे हमारी गरारी जो है ना आवाज़ ना करे। ठीक है, तो अभी मैं आपको मिलान करके दिखाऊंगा कितना मिलान रखते हैं गरारी का, ताकि हमारी गरारी अच्छी चल सके। तो क्या करेंगे, जैसे छोटी रोड है और एक ये बड़ी रोड है। ठीक है, छोटी रोड में तो क्या करेंगे, गरारी बांधेंगे। गरारी कौन सी लगती है, देखो चार तरह की गरारी होती है। एक ये बड़े वाली है, और ये इससे छोटी है, ये लंबे वाली है, और ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले रोड में क्या करेंगे, जो थोड़ी देखो ऊपर से बड़ा साइज होता है इसका, ये देखो ये इन सब में थोड़ा बड़ा साइज है, ये जो है ना छोटी रोड में बंधेगी। ये जो छोटी रोड होती है इसमें इसको बांधेंगे। तो जैसे इसमें हमने जो है ना इसके पैंच टाइट कर लिए हैं, उसको क्या करेंगे बॉडी में डालेंगे ऐसे। देखो ये देखो, ये बिल्कुल गरारी को बॉडी में लगा दिया, और अब जो है ना बड़ी रोड होती है जो, इसको यहाँ पर डालेंगे बुश में। ये देखो ये हल्का होना चाहिए, ये देखो जैसे हल्का है ये हल्का है। अब इसमें क्या लगाएंगे, नीचे वाली गरारी जो होती है, ये देखो ये लंबी थोड़ी लंबी होती है, ये वाली ये देखो थोड़ी लंबी है, और ये वाली छोटी है। तो छोटी गरारी को नीचे लगाएंगे यहाँ पर, ये देखो ऐसे। ठीक है, जैसे इसको लगा देंगे, जैसे इसको लगा देंगे, और जो है ना पीछे ऐसे उंगली डाल के देखेंगे, देखो ठीक है। देखो ये वाली जो गरारी है ना अभी ज़्यादा चढ़ रही है ऊपर, ये देखो ठीक है। इस पे यहाँ चोट मारेंगे और इसको पीछे कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको पीछे कर देंगे, ये देखो अब जो है ना ये गरारी बिल्कुल बराबर सी हो गई, और जो ये छोटे वाली गरारी है ये हल्की सी ऊपर रहनी चाहिए। ऐसे उंगली डाल के देख लेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे उंगली लगा के देखेंगे पीछे को, और ऐसे भी लगा के देखेंगे। ये वाली गरारी थोड़ी डाउन होनी चाहिए और ये ऊपर चढ़नी चाहिए थोड़ी सी, ये देखो ऐसे उंगली लगा के ये महसूस होना चाहिए कि ये वाली गरारी हमारी जो है ना थोड़ी ऊपर चढ़ रही है। इस वाली गरारी के इसके दांते थोड़े ऊपर होने चाहिए। तो दोस्तों जैसे इसको ऊपर कर देंगे, और जो है ना देखो हमारी गरारी का भी नीचे का मिलान बिल्कुल अच्छा हो चुका है। मैं अब ऊपर की गरारी लगा के दिखाता हूँ आपको उसका मिलान कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करना है, जैसे देखो ये आराम साफ्ट है, आराम साफ्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले गरारी और ये केम देख लेंगे। गरारी और केम जो है ना आराम साफ्ट में अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ताकि बाद में भारी ना हो। अगर बाद में भारी होगी फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको जो है ना केम को इसमें लगा लेंगे आराम साफ्ट में, और ये देखो ये इसमें अच्छे से आनी चाहिए, और गरारी भी पहले लगा के देख लेंगे, वरना अगर बाद में लगाएंगे तो जो है ना हमें पता नहीं लगने का कि हमारी गरारी भारी है, तो फिर इसमें चलने के लिए ये देखो ये जो है ना आराम साफ्ट में अच्छे से घूमनी चाहिए, ये देखो जैसे घूम रही है, ठीक है। और जो है ना आराम साफ्ट को इसमें लगाएंगे, और केम को और गरारी को लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखो जैसे हमने इसमें जो है ना ये केम लगा ली और गरारी लगा दी, और जो है ना जैसे राड लगाई तो इसमें गरारी लगा के देखेंगे हम। ये गरारी बच गई हमारी, हमने छोटी गरारी को तो मिलान कर लिया, लेकिन अब जो है ना ये जो लंबे वाली गरारी होती है इसको यहाँ पर रोड में लगाएंगे, ये देखो इसको यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ये देखो जैसे इसमें लगा देंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो बड़ी गरारी होती है और ये छोटी वाली गरारी, इनका मिलान जो है ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें जो है ना बिल्कुल बराबर कर दो इसको, हल्की सी चाहे ये बड़े वाली, बाल भर बिल्कुल ऐसे उंगली लगा के देख लो, इसको चला के देख लो, हल्की बाल भर जो है ना ये बड़ी गरारी ये ऊपर होनी चाहिए बस, और जो है ना हो सके तो इसको बराबर कर दो, ठीक है। अगर ये ऐसा करेंगे मिलान तो हमारी गरारी जो है ना कभी भी आवाज़ नहीं करने की, और ना ही कभी इसमें प्ले होने की, और आप जो है ना कितनी अच्छे से ग्रीन कर लेना इसको, और जो है ना कभी भी आवाज़ नहीं करने की। ये देखो ये ऐसा अगर आप मिलान करते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखो मैंने आपको नीचे का और दोनों गरारियों का ऊपर का भी मिलान करके दिखाया आपको, ताकि आप जो है ना अपनी मशीन की गरारी अच्छे से चला सको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों।